अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, बहुत खुशखबरी की बात है, हमारे साथ जो मौजूद हैं साद की वालिदा, साद वो बच्चा जो इतवार के दिन गुलशन इकबाल पार्क जो पिकनिक मनाने गए अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ पर अगवा हो गया, एक अगवा कार खातून से इसको बाज़याब करवाया गया। डॉल्फिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया है। हमारे साथ साद की वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनके मौजूदा तासुरात जानते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बताइए साद, आपका बेटा बाज़याब हो गया, डॉल्फिन पुलिस की बहुत खूबसूरत अच्छी कारकर्दगी रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस ने और डॉल्फिन पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत काम किया, बराबर इनके साथ लगे रहे हैं उधर सारा दिन सारी रात। उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से अंजाम दी। अल्लाह ताला उन्हें ऐसे ही करता रहे, तरक्कियां देता रहे और वो अपनी ड्यूटी इसी तरह अंजाम देती रहें और ताकि तमाम माएँ और उनके बच्चे वो तहफ़ में रहें, अपनी माओ के पास रहें। इतवार के दिन का हमें वाकया बताइए, इतवार के दिन क्या वाकया पेश आया था? इतवार के दिन ये ऐसा हुआ था कि हम अभी गए थे, तकरीबन 4 बजे का टाइम था जब हम उधर गए हैं, 4:15 का, तो वहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, तकरीबन ये 5 बजे का टाइम था, 5:02-3, तो तब ये हमारी नज़रों से ओझल हुआ है। वो भी बाय चांस के पीछे बेटी हमारी साथ खेल रही थी, तो इसकी तरफ जब हमारा ध्यान हुआ ये गिरने लगी थी, तो इसकी तरफ ध्यान हुआ वो हम दोनों का ही बट गया, इसकी तरफ हमारा ध्यान ना रहा, हम दोनों ने एकदम से उसकी तरफ देखा, उसे झाड़ के सारा कुछ बिठाया। जब हमने वापस मुड़ा देखा तो मोहम्मद साद उधर नहीं था। उसके बाद हमने उस साइड पे उस पार्क में सारा ढूंढा, नेक्स्ट जो उससे अगला था वहाँ पे बच्चे काफ़ी खेल रहे थे, वहाँ पे सारा ढूंढा कि शायद उधर चला गया हो, झील वाली साइड पे ढूंढा लेकिन वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे सारा हम ढूंढते रहे, हमने वहाँ गार्ड को कहा, बताया, उन्हें तस्वीर दिखाई कि इस तरह ये बच्चा गुम हुआ है, अब इस बच्चे को इस स्वेटर में, इस तरह के कपड़े उसने पहने हुए हैं, वो बाहर ना जाने पाए। दूसरे गेट कीपर को भी इन्फॉर्म किया, गार्ड्स को कहा, सबसे ऐलान करवाया अंदर, ठीक है। तो उसके बावजूद जब देखा, हमें पता चला इसका कि जब ये बाग से बाहर जा चुका था, इस चीज़ का हमें पता चला रात को 9:30-10 बजे। हमने जो एक CCTV फुटेज देखी उसमें साथ जो बच्चा है वो एक खातून के साथ जा रहा था, उस खातून को आप लोग जानते थे? नहीं, मतलब उधर जब आप लोग खेल रहे थे, पिकनिक चल रही थी, उस दौरान खातून आप लोगों ने वहाँ देखी थी? हमारे नोटिस में नहीं आई, या हमने गौर नहीं किया इस चीज़ का कि पास हमारे कोई इस तरह का फ़र्द भी है जो हमें नोटिस कर रहा है। बच्चों की तरफ हमारा ध्यान था, हमारा उस साइड पे ध्यान नहीं गया। बहुत अच्छी बात है, साथ के वालिद से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पुलिस अहलकारों का क्या रवैया रहा उनके साथ और पुलिस की तरफ से क्या उनका रवैया था, पॉजिटिव रवैया था। जी आप बताइए, पुलिस का कैसा रवैया रहा? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों का बहुत अच्छा रवैया रहा। जो अदनान साहब थे, अदनान इंस्पेक्शन जो कर रहे थे हमारे साथ, इंस्पेक्टर थे वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा मेरे साथ तआवुन किया। वो जिस दिन ये वारदात हुई है उसी दिन ही मैंने 15 पे भी कॉल कर दी और तकरीबन घंटे बाद जो है 15 पे मैंने कॉल कर दी थी। तो उसी वक्त ही फिर वो पेट्रोलिंग करते, क्योंकि पास ही इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन, उसी वक्त ही पेट्रोलिंग कर रहे थे वहाँ पे, वो उधर ही थोड़ी देर बाद, मैक्सिमम 5 मिनट के बाद वो आ गए। उन्होंने डॉल्फिन वालों को जो है पार्क के अंदर भेज दिया ताकि वहाँ पे वो अपनी पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दें और वो डॉल्फिन वाले पार्क के अंदर काफ़ी देर जो है वो पेट्रोलिंग करते। अभी जितनी पंजाब पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, सभी पुलिस अहलकारों ने इनके साथ बहुत उनका मस्बत रवैया रहा। हम साथ से बात करते हैं, साथ बेटा एक बार कैमरा में देख कर थैंक यू बोल दो पुलिस वालों का जिन्होंने आपको बाजियाब करवाया। थैंक यू। जी हाँ जी, बच्चा कह रहा है थैंक यू। साथ की कजन्स की तरफ मूव करते हैं। साथ के आने से इस घर की खुशियाँ दोबारा इस घर में दाखिल हो चुकी हैं। साथ की कजन्स से बात करते हैं। जी हाँ जी, क्या आप लोगों का रवैया है, खुशी है और जब साथ नहीं था कैसा महसूस कर रहे थे आप लोग? जब वो नहीं था तो हम लोग, मतलब क्या क़यामत का मंजर था हमारे साथ। हमारा इतना अच्छा भाई, इतना प्यारा भाई है, वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहे हमेशा। वो बहुत, बस अल्लाह ताला उसको हमेशा सलामत, साथ का हमेशा ख्याल रखेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, आप रखोगी?
जी साथ की, क्योंकि 25 जनवरी को बर्थडे आती है और इन सभी कजिन्स का कहना है हम बर्थडे बहुत जोर शोर से मनाएंगे जी, जैसे पहले बर्थडे मनाते थे अब उससे डबल हंगामे के साथ मनाई जाएगी। यस जैसा कि मैंने कहा आप सबके लिए इस एक स्टोरी में जो हमने आज एक प्रोग्राम किया इसमें एक मैसेज है जो आप सबको समझना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खुशियाँ दोबारा बहाल हो गई हैं साथ के घर में। इसमें हिडन मैसेज ये है कि हम सबको अपने बच्चे अगर हम कहीं बाहर लेकर जाते हैं तो उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं कोई दरिंदा सफ़त खातून, कोई दरिंदा सफ़त इंसान उन पर नज़र जमाए तो नहीं बैठा जो हमारी नज़र ओझल होने के इंतज़ार में है, और हमारी नज़र ओझल होते ही वो उस वक्त का गलत फ़ायदा उठाएगा। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए, डेली पाकिस्तान को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने बच्चों की ख़ास तौर पर हिफाजत कीजिए। मैं यहाँ पर सल्यूट करूँगी डॉल्फिन पुलिस पंजाब पुलिस जिनका मस्बत रवैया रहा साद और उसके घर वालों के साथ। यहां आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।